दोस्तों, अगर आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड में कोई भी सुधार करवाना चाहते हैं या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, खराब हो गया है, तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड को रिप्रिंट करवाना चाहते हैं, ये सारे काम आप खुद अपने घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं कि वोटर कार्ड से रिलेटेड सारे काम आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है वोटर पोर्टल eci.gov.in, ये लिखकर आप सर्च कर लें। जब हम सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है अपने को इसी पर क्लिक करना। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हम आ जाते हैं वोटर पोर्टल पर। इस पोर्टल को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ साइन इन करना होगा, चाहे आप फेसबुक से, ट्विटर से, अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेते हैं। तो चलिए हमने इस पर क्लिक कर लिया। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन या लैपटॉप पे जो भी जीमेल आईडी होंगी वो यहाँ पर शो हो रही हैं, तो आप कोई भी जीमेल आईडी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपनी इस जीमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें अलाउ पर क्लिक करना है और अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है वोटर पोर्टल पर सफलतापूर्वक आपने साइन इन कर लिया है। टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद हम वेलकम पर क्लिक कर देते हैं। वेलकम पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने वोटर पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे आप न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वोटर कार्ड में कोई भी सुधार की आवश्यकता है वो आप कर सकते हैं, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो यहाँ से दोबारा आप वोटर आईडी कार्ड मंगवा सकते हैं, तो हम रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी पर क्लिक करें। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है योर प्रोफाइल डिटेल, आपको फर्स्ट नेम, आपको आपका जो सरनेम हो वो एंटर कीजिए, आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो वो सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हमने फटाफट इसको फिल कर लिया है, अब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर देखिए लिख के आ गया, हेलो आरती, माई नेम इज़ वोटर मित्रा। अब अपने को लेफ्ट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहां पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास पहले से वोटर आईडी नंबर है, अगर है तो आपको इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। मेरे पास पहले से वोटर आईडी नंबर है इसलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए हमने इस पर क्लिक कर लिया। अब यहां पर आपको वोटर आईडी नंबर एंटर करना पड़ेगा, तो चलिए हमने वोटर आईडी नंबर एंटर कर लिया और फर्स्ट डिटेल पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर लिख के आ जाता है कि प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहां पर प्रोसीड पर भी क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं यहां पर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहां पर आपका रिकॉर्ड फाउंड, आपका जो भी पहचान पत्र से रिलेटेड रिकॉर्ड है वो यहां पर शो कर रहा है। यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर हमसे रीजन पूछ रहा है कि आप रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी क्यों करना चाहते हैं, क्यों, कोई रीजन दे दीजिए। चलिए यहाँ पर कुछ रीज़न दे देते हैं कि हमारा वोटर आईडी कार्ड डैमेज हो चुका है, और ये रीज़न देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड। आप अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे कलेक्ट करना चाहते हैं, सीएससी सेंटर से या फिर बाई पोस्ट या फिर अपने बीएलओ से। हम अपने वोटर आईडी कार्ड को बाई पोस्ट मंगवाना चाहते हैं इसलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी जो भी बाई पोस्ट आपका वोटर आईडी कार्ड लेके आएगा उसको आपको यहाँ पर 25 रुपये पे करने पड़ेंगे। 25 रुपये पे करने के बाद यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। चलिए इस पर क्लिक किया और हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो फॉर्म है यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल दी हुई है, हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने सफलतापूर्वक यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। यहाँ पर हमें रेफरेंस आईडी मिली है, इस आईडी को हम यहाँ कॉपी करेंगे। रेफरेंस आईडी के जरिए आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। हम यहाँ पर बैक वापस आते हैं और यहाँ पर हम स्टेटस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रेफरेंस आईडी मिली है वो आईडी को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। हम कॉपी कर चुके हैं, पेस्ट कर देते हैं।
ट्रैक योर स्टेटस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने एक पेज ओपन होता है। देखिए यहाँ लिखा है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये सबमिट हो चुका है। तो जो आपके वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक न्यू वोटर आईडी कार्ड घर बैठे अपने फ़ोन से मंगवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक जय हिंद जय भारत।